गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का भाग 8। पहले हम 7 भाग पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वो पहले नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लो, उसके बाद हम भाग 8 भी देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ टिप्पणी थी, हम पहली टिप्पणी पढ़ चुके थे पिछली कक्षा में, अभी हम दूसरी और तीसरी टिप्पणी पढ़ेंगे। उसके बाद उदाहरण 4, 5, 6, 7 कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम करेंगे ताकि हमें और अच्छे से प्रयास हो। ठीक है, चले देर किस बात की, फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो ये टिप्पणी पहली वाली हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी इसी से थोड़ी जुड़ी हुई चीजें हैं आगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आप ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि इसमें हुआ क्या था। मतलब मान लीजिए दो सदिश हैं, ए सदिश और बी सदिश। ठीक है, ए सदिश है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, और बी सदिश है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों सदिश सरेख हैं। ठीक है, तो सरेख सदिश के लिए ये रिश्ता होना बहुत जरूरी है कि बी सदिश इक्वल्स टू लैम्डा ए सदिश। अगर ये कंडीशन है तो सदिश सरेख हैं, वरना नहीं। तो अभी हम यही लगाएंगे, क्या है, बी सदिश इक्वल्स टू लैम्डा ए सदिश। तो हमने बी सदिश यहाँ उसके घटक के रूप में लिया, तो b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप इक्वल्स टू लैम्डा, और ए सदिश हमने ए उसके घटक रूप में लिया, तो क्या है, a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। ठीक है, तो ये रखने के बाद अब ये देखिए, ये हो गया b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। अब ये लैम्डा है, ये अंदर जाके हर एक से गुणा होगा। क्यों? क्योंकि ये हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं कि जब कोई अदिश बाहर होता है तो वह उसके घटक के रूप के हर एक अक्ष से गुणा होता है। तो क्या हुआ, लैम्डा a1i कैप प्लस लैम्डा a2j कैप प्लस लैम्डा a3k कैप हो गया। अब अगर ये दोनों इक्वल, यहाँ इक्वल का साइन लगा है ना, मतलब कि ये और ये सदिश समान है। अगर ये और ये सदिश समान है मतलब इनका परिमाण भी समान होगा, परिमाण भी इनका एक ही होगा। तो b1 इक्वल टू लैम्डा a1 हो गया, b2 इक्वल टू लैम्डा a2 हो गया, और b3 इक्वल टू लैम्डा a3 हो गया। हो गया है ना, तो ये यहाँ से a1 यहाँ में गुणा में है तो यहाँ भाग में जाएगा, तो b1 अपॉन a1 इक्वल टू लैम्डा, b2 अपॉन a2 इक्वल टू लैम्डा, और b3 अपॉन a3 इक्वल टू लैम्डा। इक्वल्स टू लैम्डा हम बार बार नहीं लिखते, तो हमने यहाँ यही लिख दिया इक्वल्स टू लैम्डा, मतलब b1 अपॉन a1 भी लैम्डा के बराबर है, b2 अपॉन a2 भी लैम्डा के बराबर है, और b3 अपॉन a3 भी लैम्डा के बराबर है ना। तो अगर कोई दो सदिश हैं और वो आपस में सरेख हैं, तो उनके जो परिमाण है, उनके परिमाण का जब हम एक दूसरे से भाग देंगे तो एक सदिश आएगा जो लैम्डा है ना, ये सॉरी सदिश नहीं, अदिश आएगा, एक अदिश आया। अदिश मतलब कोई भी संख्या, मतलब मानते हैं कि हाँ, मान लो कि दो सदिश हैं, एक है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, और एक सदिश है 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप, है ना। है, तो हम 6i कैप बटा 3i कैप करेंगे, तो 3i कैप 2 जाएगा, तो यहाँ पे लैम्डा क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब क्या, 2 क्या है, 2 एक संख्या है ना, एक अदिश है, 2 एक संख्या है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है, ये दोनों सदिश 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप और 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 3k कैप, ये आपस में सरेख है ना। समझ आया ना, सीधी सी बात है, अगर हम दोनों के परिमाण को एक के परिमाण को दूसरे से भाग देंगे तो एक बीच में तो एक संख्या निकल के आएगी। अगर वो सच में एक संख्या है तो सदिश सरेख है, वरना नहीं। ठीक है, समझ आया, चलो तो दूसरी टिप्पणी देखते हैं। यदि ए सदिश इक्वल टू a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, तब a1 a2 a3 सदिश ए के द्विक अनुपात कहलाते हैं। है, मान लो अगर कोई भी सदिश उसके घटक रूप में है, मतलब a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप इस रूप में है, तो ये जो a1 a2 a3 है ये उसके द्विक अनुपात हुए। क्या हुए, उस सदिश के द्विक अनुपात हुए। ठीक है, समझ आया, चलो तीसरी देखते हैं। यदि LMN किसी सदिश के द्विक कोजाइन, तब Li कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। द्विक कोजाइन हम पहले भी अपनी कक्षा में पढ़ चुके हैं, द्विक कोजाइन मैंने आपको बताया था द्विक कोजाइन क्या होते हैं। एल एम और एन को हम द्विक कोजाइन बोलते हैं, और एल क्या होता था, कॉस अल्फा, एम क्या होता था, कॉस बीटा, और एन क्या होता था, कॉस गामा। तो Li कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप ये क्या होगा, कॉस अल्फा, यहाँ एल की जगह हमने कॉस अल्फा रखा, एम की जगह कॉस बीटा रखा, एन की जगह कॉस गामा रखा, तो ये हुआ कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। समझ आया, दिए हुए सदिश की दिशा में मात्रिक सदिश है जहां अल्फा बीटा एवं
गामा दिए हुए सदिश द्वारा क्रमशः एक्स वाई एवं जेड के साथ बनाए हुए कोण है। यहाँ अल्फा बीटा गामा क्या है, एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ बनाए हुए कोण है, कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पता होगा। ठीक है, समझ आ गया ना, तीनों टिप्पणी आ गई सही से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इन्हीं से जुड़े हुए कुछ सवाल करेंगे। ठीक, तो ये आ गया उदाहरण नंबर 4। तो एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए ताकि अदिश सदिश ए सदिश इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस जेड के कैप और बी सदिश इक्वल टू टू आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। अब ये बोल रहा है इन्हें एक्स वाई और जेड के मान चाहिए। क्या चाहिए? ये जो एक्स, ये जो वाई है ना, और ये जेड है, इनके मान चाहिए। मतलब एक्स वाई जेड की जगह कोई संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन अभी एक्स वाई जेड है, मतलब हमें उसकी जुड़ी हुई संख्या निकालनी। हाँ, तो यहाँ ये क्या बोल रहा है, ये सदिश समान है ना, ये और ये सदिश समान है। तो हमने पढ़ा था जब भी कोई सदिश समान होते हैं तो क्या होता है, उनकी परिमाण और दिशा दोनों बराबर होती है। अब जैसे ये आई कैप है, मतलब ये एक्स अक्ष में है, आई कैप हुआ ना, ये एक्स अक्ष में, कहीं भी ले लो, ये मान लो ये एक्स अक्ष है ना, तो आई कैप तो एक्स अक्ष में है, यहाँ वाला आई कैप भी एक्स ही अक्ष में, तो यहाँ दिशा की दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ परिमाण की है ना। तो मतलब अगर इनका परिमाण भी बराबर होगा तो ये समान हो जाएंगे, लेकिन हमें पहले से ही प्रश्न में दिया हुआ है कि ये जो सदिश है वो समान है, सदिश समान है मतलब इनके परिमाण भी समान होंगे। तो एक्स एक्स आई कैप है और ये टू आई कैप है, तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, जब हमने ने बराबर किया तो एक्स टू आएगा, एक्स टू आएगा ना, एक्स की जगह टू रखेंगे तभी तो ये टू का आई कैप बनेगा, बनेगा ना। ये देखो जैसे, तो एक्स टू आ गया और यहाँ पे देखो ये टू जे कैप है और ये वाई जे कैप है, तो y की जगह भी हम 2 रखेंगे तभी वो 2j कैप होगा, है ना, तो y भी 2 हो गया। ठीक है, इतना समझ आ रहा ना। और फिर ये z के कैप है और ये k कैप है ना, तो हम z की जगह 1 रखेंगे तब वो k कैप बनेगा, बनेगा ना, ऐसे होगा। अगर 2 रख देंगे तो 2 k कैप हो जाएगा, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें बस k कैप ही चाहिए, तो हम z की जगह 1 रखेंगे, है ना। तो x क्या आ गया, 2 आ गया, y 2 आ गया, और z क्या आ गया, 1 आ गया। समझ आया? एक बार इससे भी पढ़ लेते हैं इनका हल। ध्यान दीजिए कि दो सदिश समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत घटक समान हो, यही बोला था ना, अगर उनकी संगत घटक घटक समान हो तभी वो सदिश समान कहलाएंगे। अतः दिए हुए सदिश ए और बी समान होंगे यदि और केवल यदि एक्स दो वाई दो और जेड एक। ठीक है, पक्का? चलो फिर अगला प्रश्न करते हैं। तो उदाहरण नंबर 5। मान लीजिए ए सदिश है आई कैप प्लस टू जे कैप और बी सदिश है टू आई कैप प्लस जे कैप, तब क्या ए सदिश इक्वल टू बी सदिश है, मतलब मॉड ऑफ ए सदिश इक्वल टू मॉड ऑफ बी सदिश है, क्या सदिश ए और बी समान है? ये बोल रहे हैं कि ये सदिश ए दिया है, ये सदिश बी दिया है, ए सदिश है आई कैप प्लस टू जे कैप और बी सदिश है टू आई कैप प्लस जे कैप। अब ये बोल रहे हैं कि क्या इनके परिमाण बराबर हैं, इनके तो हम परिमाण कैसे निकालते हैं, पहले क्वेश्चन में उन्हें यही पूछ रहे हैं। ये हमें बताया था ना, कोई भी सदिश अगर हम उसे मॉड के अंदर कर देते हैं तो मतलब उसकी से परिमाण की बात हो रही है, अगर उसकी परिमाण की बात हो रही है तो परिमाण हम कैसे निकालते थे, मैंने आपसे बोला था ना, अगर ए सदिश का परिमाण चाहिए तो आई कैप और जे कैप को भूल जाओ, उनके साथ जो संगत में जो उनके घटक होते हैं ना, यहाँ 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, यहाँ 1 है और 2 है, तो हम 1 का वर्ग करेंगे 2 का वर्ग करेंगे और उनका योग कर देंगे और वर्गमूल के अंदर डाल देंगे। तो ये क्या हुआ, यहाँ 1 था तो 1 का वर्ग 2 था तो 2 का वर्ग, इनका योग हुआ तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 + 1 = 5, और ये वर्गमूल के अंदर है ना, सीधा सा है। तो ये सदिश का मॉड क्या आया, इसका परिमाण क्या है, वर्गमूल 5, और ऐसे ही हम बी सदिश का निकालेंगे, तो यहाँ 2 का वर्ग किया तो क्या हो गया, 4 + 1 का वर्ग किया तो 1, तो वो भी क्या आया, वर्गमूल के अंदर 5। अब ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण बराबर है, तो इनने पूछा था ना, तो अब क्या ये बराबर है, तो कह देना हाँ ये बराबर है। अब देखिए आगे भी है प्रश्न, क्या सदिश ए और बी सदिश समान है? अब ये बोल रहे हैं क्या ये दोनों समान है, देखो इनका परिमाण तो एक ही है, जैसे इसका परिमाण भी वर्गमूल 5 आया, इसका परिमाण भी वर्गमूल 5 आया है ना, पूरे सदिश का परिमाण तो यही आया, लेकिन लेकिन ये जो है ना इनकी दिशा गलत है, दिशा अलग अलग, इसलिए परंतु दिए हुए सदिश समान नहीं है क्योंकि इनकी संगत घटक भिन्न, इनके जो संगत घटन है ना, ये देखो जैसे यहाँ पे 1 है
और यहाँ पे दो है, ऐसे जे कैप में भी यहाँ दो है यहाँ एक है। अगर दो उन्हें समान होना है तो उनके जो संगत घटक हैं उन्हें भी समान ही होना पड़ेगा। अगर ये आई कैप के साथ एक होता और जे कैप के साथ दो होता तो ये समान हो जाते, लेकिन अभी वो समान नहीं हो सकते। ठीक है, समझ आया? चलो अगला प्रश्न करें। चलो ठीक है। सदिश ए कैप इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ये देखो हमने ऐसा प्रश्न किया था ना पिछली की पिछली कक्षा में किया था शायद, है ना? हाँ, हमने एक ऐसा प्रश्न किया था, इसमें कुछ नहीं बोला, उदाहरण नंबर 6 है कि उनने एक सदिश दे दिया जो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। अब ये हमसे उसका मात्रक सदिश पूछ रहे हैं, इसका मात्रक सदिश हम कैसे निकालेंगे? तो सदिश ए के अनुदिश मात्रक सदिश, देखो मात्रक सदिश कैसे निकालते, जैसे मान लो ए सदिश है तो ए कैप, हम ए कैप से दर्शाते हैं उसके मात्रक सदिश को। ठीक है, तो ए कैप कैसे निकलता है? 1 बटा ए सदिश का मॉड गुणा में ए सदिश, है ना? देखा जाए तो ए सदिश बटा मॉड ऑफ ए सदिश, है ना? मतलब हमें उस सदिश को उसके परिमाण से भाग दे देना है तो हमें उसका मात्रक सदिश मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें उसका परिमाण निकालना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ ए सदिश क्या हुआ? देखो जैसा बोला था 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 4। 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9, 9 4 13, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 13 और 1 14, और इसे हम वर्गमूल के अंदर डालेंगे तो हमारा ये परिमाण क्या आया? वर्गमूल 14 आया ना, वर्गमूल 14 आया, तो हमारा परिमाण हो गया वर्गमूल 14। ठीक है, अब हम मात्रक सदिश निकालेंगे, तो मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं? ये सदिश लेंगे और इसका भाग दे देंगे उनके परिमाण से, तो ये हो गया सदिश, उसका भाग दे दिया उसके परिमाण से, उसका परिमाण कितना था? वर्गमूल 14। तो वर्गमूल 14 से हमने भाग दिया तो ये क्या हुआ? 2 बटा वर्गमूल 14 i कैप प्लस 3 बटा वर्गमूल 14 j कैप प्लस 1 बटा वर्गमूल 14 k कैप। समझ आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधी सीधी है। क्या किया सबसे पहले हमने? सबसे पहले मात्रक सदिश निकालना है, तो मात्रक सदिश के लिए क्या किया? पहले हम उसका सदिश देखेंगे, उसका जो भी सदिश होगा, मानो सदिश है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, 3j कैप प्लस के कैप। अब इसके सदिश से हम उसका परिमाण निकालेंगे, परिमाण कैसे निकलता है? उसके जा जो उसके साथ में जो उसके घटक होते हैं, है ना, साथ में जो उसके घटक होते हैं उनका हम वर्ग करेंगे, उनका योग करेंगे और फिर उनका वर्गमूल निकालेंगे। तो यही किया, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का वर्ग किया 9 और 1 का वर्ग किया तो 1, तो क्या आया? वर्गमूल 14। ठीक है, इसका उत्तर आया वर्गमूल 14, परिमाण हमने निकाल दिया, सदिश हमारे पास है। मात्रक सदिश कैसे निकलते हैं? जब हम सदिश का भाग दें उसके परिमाण से, ये रहा उसका सदिश, भाग दिया हमने उसे उसके परिमाण से, तो ये रहा हमारा उत्तर। समझ आया? और वैसे और अगर हम मान लो वर्गमूल 14 से इन्हें भाग दे रहे हैं तो ये हर जगह अलग अलग भाग हमें देना पड़ेगा, है ना? देखो हमने इसको 2 को भी इससे भाग दिया, 3 को भी इससे भाग दिया और 1 को भी इससे भाग दिया, है ना? एक से ही नहीं करना है, हर एक से करना है। ठीक है, समझ आया? चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 7, इसमें बोल रहे हैं कि सदिश ए है जो कि है i कैप माइनस 2j कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो। अब ये बोल रहा है हमें एक सदिश है ए, उसका मात्रक सदिश चाहिए, उसका मात्रक सदिश चाहिए, और उसका मात्रक सदिश निकाल के हम उससे जब सात उससे 7 का गुणा करेंगे, है ना, मतलब हमें कोई ऐसा सदिश चाहिए जिसका 7 परिमाण, बस बात बस इतनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसका मात्रक सदिश निकालेंगे। मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं? मात्रक सदिश में हम पहले सदिश लेते हैं, सदिश से उसका परिमाण निकालते हैं और सदिश को हम भाग देते हैं उससे परिमाण से, तो हम उससे उसका मात्रक सदिश निकालते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया? दिए हुए सदिश ए सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश, ये हमने मात्रक सदिश निकाला। कैसे आता है? ए सदिश बटा परिमाण ऑफ ए सदिश, है ना, ए सदिश का परिमाण, तो 1 बटा रूट 5। ये देखो इसका हम पहले परिमाण निकालेंगे, परिमाण कैसे आया? 2 का वर्ग किया 4, 1 का वर्ग किया 1, 4 प्लस 4 प्लस 1 5, है ना, 5 हुआ, तो ये हमने वर्गमूल के अंदर डाल दिया, तो ये वर्गमूल 5 हो गया उसका परिमाण। तो हमने क्या किया? 1 बटा वर्गमूल 5 और ए सदिश का ए सदिश यहाँ लिख दिया। तो फिर हम जब इसका भाग दिया तो ये आ गया 1 बटा रूट 5, 1 बटा वर्गमूल 5 i कैप माइनस 2 बटा वर्गमूल 5 j कैप। ये हो गया उसका मात्रक सदिश। लेकिन अब हमें चाहिए क्या चाहिए? एक ऐसा सदिश
जिसका परिमाण 7 हो। अबे देखो इसका परिमाण कितना है, इसका परिमाण 1 है, क्यों? क्योंकि ये मात्रिक सदिश है, मात्रिक सदिश का परिमाण हमेशा 1 ही होता है, हमें 7 इकाई वाला चाहिए, तो हम इसका क्या करेंगे, ये 1 इकाई है ना, ये 1 इकाई, हमें 7 इकाई चाहिए, तो हम इसका 7 से गुणा करेंगे, तो हमने 7 a कैप किया, 7 गुणा में 1/√5 i कैप माइनस 2/√5 j कैप, इसे किया तो हमारा उत्तर आया 7/√5 i कैप माइनस 14/√5 j कैप, ये आया हमारा पूरा उत्तर। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने टिप्पणी 2, टिप्पणी 3 और उससे पहले भी टिप्पणी 1 थोड़ा सा देख ली थी, ताकि उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो और अच्छे से समझ आए। तो हमने टिप्पणी 2 पढ़ी, टिप्पणी 3 पढ़ी और 4 उदाहरण, उदाहरण 4, 5, 6 और 7 इसलिए किए ताकि थोड़े से हम प्रश्न भी करें, तभी तो हमें कुछ समझ आएगा, क्योंकि बिना प्रश्नों के गणित जो होती है वो सर के ऊपर से जाती है। तो मैं आपसे फिर से कहूंगा, जो उदाहरण किए हैं वो एक बार कर लेना, और जो प्रश्नावली है उसमें से भी कुछ कुछ प्रश्न हैं वो करते रहा करो, उससे अच्छी पकड़ आ जाएगी पूरी गणित पे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 8 और 9, थोड़े और उदाहरण करेंगे ताकि थोड़े और अच्छे से प्रयास हो पाए, और दो बिंदुओं को मिलाने वाली सदिश वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक और उदाहरण उदाहरण नंबर 10 करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, बाकी अगली कक्षा में आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू, बाकी अगली कक्षा में मिलते हैं।